आर आई न्यूज़ खबर शामिल करते हैं। जावेद शेख की तफसीलात के मुताबिक सियालकोट में तैनात राशि भट किरदार और दो दफ़ा सस्पेंड होने वाला, रिश्वत देकर दो बार बहार होने वाला सोशल वेलफेयर ऑफिसर मलक अदनान अपने ही ऑफिस में उस्मान इकबाल खान जो कि शहाबपुरा का फैक्ट्री ऑनर है उसकी फैक्ट्री में जाकर नाजायज तंग करता है और रिश्वत का तकाजा करता था, जिस पर मुतलका शहरी ने CEO एंटी करप्शन को दरख्वास्त दी और करंसी नोटों पर साइन करवा के मस्कूरा सोशल वेलफेयर ऑफिसर को बतौर रिश्वत 50,000 रुपये अदा किए। मलक अदनान की जानब से पैसे वसूल होने के फौरन बाद CEO एंटी करप्शन और इलाका मजिस्ट्रेट ने मौका पर मलक अदनान को गिरफ्तार कर लिया और इसकी जेब से निशानशुदा नोट बरामद करके इसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी। सियालकोट में अंधेर नगरी मचाने वाला गरीब दुश्मन गरीबों के साथ जुल्म करने वाला बद किरदार सोशल वेलफेयर ऑफिसर मलक अदनान 50,000 रुपये रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। सियालकोट के गरीब और मजदूर रेड़ी बानू और छोटे दुकानदारों का कहना है कि करप्शन के बेताज बादशाह मलक अदनान गरीबों की आहों और बदुआओं का नतीजा खुदा अपने बंदों पर जुल्म करने वालों से इस तरह इंतकाम लेता था। करप्ट मलक अदनान की गिरफ्तारी पर सियालकोट के छोटे ताजरों और मजदूर तबका के लोगों ने एंटी करप्शन सियालकोट का शुक्रिया अदा किया और सियालकोट एंटी करप्शन के CEO के लिए दुआएं की। आरा न्यूज़ के साथ मैं हूं मिया खान, खुदा।